अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अहमियत तारुफ छोटा वालेकुम सलाम। है। मैंने कहा मेरा तारुफ छोटा सा था, आज मैंने सिर्फ सलाम कहा। मैंने कहा थोड़ा सा चलो चेंज करके देखें। फिर ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं बड़ा सा सलाम करूं या मैं कुछ कहूं और मैं इसका मुंह देख रही होती हूँ। ये क्या हुआ? और मैं फर्स्ट सीन में इतनी मगन थी ना, मेरा फेवरेट सीन था। देखा, बस ये मेरी तरफ देखती नहीं, बस सीन ही देखती है। तुसी बाजी मेरे की लाग दे हो। रिश्ते में तो हम तो भारी कजा लगते हैं। ना मैं पप्पू नाम है पप्पो। वाओ, क्या डायलॉग बना। अच्छा, अभी क्या हाल चाल है हम सबके? अब हम आ रहे थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ भाई। ये आज आ रहे हैं हम कटिंग करवाने, और जोया की कटिंग करवाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और हारिस की कटिंग करवाना हमारे लिए बहुत। क्या? उर्दू में पंजाबी में जो कहते हैं बीबा बच्चा है जोया, बहुत डिसेंट बच्चा है माशाल्लाह। और हारिस का एक चैलेंज है हमारे लिए। वो हम पाकिस्तान गए जब थे ना, तो वहां कटिंग करवानी थी। मेरे कजन है, वो इसको लेके गए हारिस को। तो बच्ची आती है इधर घर में, तो आके कहती है आपी हारिस कहाँ है? वो आई ना, बाकी सारे बच्चे थे, कहती आपी हारिस कहाँ है? मैंने कहा हारिस कटिंग करवाने गया है। कहती अच्छा, मैं भी कहूँ वहां ना, जहाँ वो सैलून पे तीन चार लोग ना एक बच्चे को पकड़ के खड़े हैं, कोई उसके बाल काट रहा है। मैंने कहा वो कोई और नहीं है, वो हमारी बच्चा है। और उसका इतना फेमस डायलॉग है कि आई एम स्केयर्ड। स्केयर नहीं, दे गोना कट माई ईयर। आई एम स्केयर, दे गोना कट माई हाँ ईयर। हाँ, हाँ बस को इसकी लाइन बड़े मुझे भूल गई थी, उसने बताई थी 2 बार रिपीट कर करके बताई थी कि पता नहीं मासी ने समझ आई होगी कि नहीं। मैं कहा बड़ा कहते हैं, आपके कार क्यों काट दे रहे? कहते सिर्फ मेरी कार काट दे रहे हैं। अब भी जब इधर लेके गए हैं तो खैर ये है कि इतना नहीं चीखा जिस तरह पहले होता, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे ही थे। ये आइस स्केटिंग है, यहाँ बच्चे आके फिर इनका बड़ा दिल हुआ कि हम यहाँ ना करें। मैंने कहा ऐसे ऐसी जगहों पे बनाते हैं कि बच्चे ना नई फरमाइशी का बैठते हैं, लेकिन उसके लिए तो जहर ना उनके सही शूज बात थे, है, ये टिकट्स तो थी। देख के बड़ों का भी दिल ललचा जाता है। और मैं अभी नोट कर रही थी, मैंने कहा हमारे वीआईपी सैलून यानी अच्छे खासे कुछ जो अपर क्लास उधर सिटीज में है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे फिर भी नहीं है जैसे यहाँ सैलून है। देख के वैसे बंदे का घुसने को दिल करे यहाँ पे। हाँ, यहाँ अभी पीछे ना गुजर गया कि छोटा सा सीन था। मैंने ट्राई तो की थी कैप्चर करने की, एक अंकल और आंटी वो यहाँ डांस क्लासेस हो रही थी, तो अच्छे खासे एजिड थे, वो कह रहे थे। मैंने कहा अपने कहते हैं ले इस उम्रे हो जे कहते ना गोडे दुख दिया, इस उम्रे पता नहीं क्या क्या दुखते हैं ये। ये डांस करने पर लगे हुए, अभी गिरे ना पर। अच्छा वैसे ये बात है, ये इनके बूढ़े भी ना जिंदा दिल होते हैं, हमारे तो खप जाते हैं बड़े पता है क्या बुजुर्ग, उनको रहना कुछ हमारी पड़ता लिमिटेशन है? है। पता क्या है, हमारे एक है, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे अपने वालदान का ख्याल करते हैं। उनको इन उम्रों में एक्टिव रहना हाँ मतलब एक मजबूरी नहीं है कि उन्होंने जॉब करना है या उन्होंने काम करना है, उन्होंने कारोबार करना है। यहाँ तो ट्रेंड है एक कि मतलब उन्होंने भी अपने माँ बाप के साथ किया होता है, और वो भी आ गया अपने माँ बाप के साथ, यही कि वहाँ है ही नहीं रिवाज इस तरह। तो ये बहुत अच्छा है अपने वहां, बराबर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जोया के काट रहे हैं बाल, अब आंटी बाल काट रही हैं। इसका नाम था जोला, जोया का नाम है जोया, जो काट रही है ना कटिंग कर, इसका नाम है जोला। तो इसके बाबा मुझे कहते और इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट में बिठाया हुआ है भाई यहाँ तो। हाँ, इसके पापा कहते हैं जोया को, कहते हैं उसको ना जो हेयर कट कर रही है ना, उसको कहते हैं जोला, शी इज जोया, आई टोल्ड यू। मैंने क्या कहता वैसे देखा, कहते हैं नहीं वो ना, मैंने इसको बताया था मेरी बेटी का नाम भी तुमसे मिलता जुलता है। मैं चाहने की ऐसी बेख्तियारी उनकी तरह देखा ना कि वो भी पजल हो गए। पाकिस्तानी वाइब्स वाला। और ये ऐसी है, ये हमारा खत्म क्यों हो सकता है, ये बहुत नेचुरल है। ये है पाकिस्तानी बीवी। ओ ये हारिस बैठ गया, हाँ देखो हारिस कैसे जोया को बैठा हुआ सूट है। कर रही है, वो कटिंग बहुत सूट कर रही है जोया को, हाँ जोया ड्राई के, बालों में मैंने देख ली। हाँ जोया के अच्छी लग गई है कटिंग इसके। अभी माशाल्लाह इसके बाल हैं हेल्दी काफी ज्यादा, और वो अभी छोटी से खुद संभालने नहीं जाते, संभालने तो मैंने ही है ना। फिर
वो भी इतनी खुश थी, कहती मम्मा इतने आसानी से अब मेरी वो कंघी भी हो जाती है, मुझे पोनी भी नहीं करनी पड़ती, कितना मजे का है। जिस तरह उसके बाल दुखना, वो तो खुश रहेगी। ये जोला के जो बालों का कलर है, याद है वो वीडियो, वीडियो नहीं, वो जो था कि अपने हस्बैंड को ये पिक्चर सेंड करें, ट्रेंड चला हाँ था ये वो ही तकरीबन कलर है, बड़ा ट्रेंड चला था ये भी। फिर ये हाँ हार उसके साथ ये प्रॉमिस हुआ था आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर हम कटिंग होने के बाद उसको आइसक्रीम खिलाने लेके आए। इसका हमेशा मुझे नाम बोलता, मैं फिर भूल गई क्या है, रॉबिन, देखा मैं फिर भूल गई। एक ना उमरान सीरीज होती थी, रॉबिन हुड, तो हमेशा मेरे जहन में ना वही नाम आता है। एक दिन बाबा, इसके बाबा को मैंने कहा रॉबिन हुड जाना, कहते केड़ी रॉबिन हुड, कहते आप भी नए नए नाम याद करती हो। मेरा दिल कर रहा है मैं गूगल बस करके पहले नाम सर्च करूं, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आया था इनका नाम। हाला भी मेरे ये जहन बाकी में सारे आ स्कूल भी है रहा है। इनके, हमारे बस कैंट हाँ एरियाज में इनकी आइसक्रीम, हमारे कैंट एरियाज में है और बड़ी एक्सपेंसिव है। हाँ इस्लामाबाद में गए थे हम, तो वहां थे तो यासर बता रहा था बड़ी कॉस्टली है यहाँ। मैंने कहा वहां भी जाहिर सी बात है, एक वो होती है ना एक एरिया के भी बड़ा फर्क पड़ता है, जो चीजें आम एरिया में वो सस्ती होती हैं, तो इस्लामाबाद या फिर आगे उसके भी जो एरियाज हैं, जैसे वो मेरे ख्याल सेक्टर 11 9 है, ये बड़े महंगे हैं। तो पता नहीं, वो कह रहे थे कि इनकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये इंपोर्ट होके ही आती हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बनाई जाती ये आइसक्रीम। यहाँ की है ना, तो ये बाहर से आती हैं, जो भी बाहर की हाँ कंपनी होती है बाहर से उनका सारा आता है। और आप बना रही है अचार, देखो बुगदा काट से आ गए कैसा फुफो कटने वडने पे। अच्छा कट। आहो आज मेरी जुबान काम नहीं कर दी सी, मैं फिर बुगदा ले लिया। मैंने कसम से पहली बार काटा। मेरी फेवरेट बात है ये, कि वो जोक था ना कि हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को कहती है वो अलमारी से मुझे बैग उतार के देना, तो कहता है जीभ नाल ट्राई कर ले। हाँ आहो कहते हैं हाथ नहीं पहुंच रहा, कहते हैं हाथ नहीं पहुंचता तो जीभ ना ट्राई हाँ कर ला। भाई मैंने चार पहली हाँ बार बिल्कुल। बनाया और पहली बार आम काटे थे, सब कुछ मैंने पहली बार किया था और अच्छा बनाया। मैंने फिर परसों चौथे खाया भी, इसके बाबा कहते ये तो अभी बना ही नहीं है, कच कच करता। मैंने कहा ये तो चार होता है कच कच करने वाला। देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, खट्टे हाँ आम खत्ते ये इसमें नेचुरल है, सबके आएगा, ये काम इसके थोड़ा सा पूरे पक्का सा था, प्रोटोकॉल मैंने वो भी जैसा है डाल खाने दिया। में। यस सब कुछ मंगवाया, क्या वो कलौंजी क्या मेथे सब कुछ डाल 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 के मैंने बनाया, और बड़ा मजे का लुक थी उसकी। मैंने कहा चलो, मैंने बहुत कुछ शादी के बाद ही बनाया, साग मैंने कभी नहीं बनाया था शादी से पहले, वो बनाया कढ़ी वो, क्योंकि हमेशा आ जाती होती थी ये चीजें हमें, लेकिन शादी के बाद फिर ये कुछ करना पड़ता है। शादी के बाद हम मास्टर शेफ हो जाते हैं, शेर हो जाते हैं, शेर। यस वही ना, वो जैसे कहते हैं ना कि छो हाँ मिट्टी का बर्तन है प्रॉपर। यस अभी तो परात में उसको मिक्स किए जा रही हूँ, फिर मट्टी में डालूंगी ना, वो खराब हो जाता है ना, चार स्टील वगैरह की चीज में या वो पीतल वगैरह में रखो तो वो खराब हो जाते, मैं पीतल में रखते होते हैं या पता नहीं किस में। फिर हम मेरे पास मट्टी की थी, अब इसी में आजकल सालन पकता है, तो मैंने कहा छोटे इसी में रख देती हूँ, ये खराब तो नहीं ना होगा ना कम अज कम। तो खैर अचार अच्छा बनाया मैंने, बहुत अच्छा बना, फफूंदी नहीं लगी, फफूंदी नहीं लगी। ना बिल्कुल भी नहीं लगी, 2 दिन ऐसे ही सिमी पड़ा रहा। उसके बाद फिर मैंने इस डब्बे में इसको डाल के इसके ऊपर से ऑयल डाल दिया, बस इतना सा काम था। आपने ऑयल बिल्कुल फिल कर दिया ना, डिप हो गया। अगर थोड़ा सा बाहर है, पता नहीं हमसे हमारा तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। मम्मा जब भी बनाते हैं शायद वो कोई गीला रह जाता है या कुछ गीला मैंने हो तो जाता है नहीं हमारी। ड्राई किया था, मैं तो ऐसे उसको अंदर ही रख के अंदर ही कर लिया, पानी में नहीं छोड़ा। हमारी वीडियो खत्म होने वाली है, मेरी तरफ से, As usual, मेरी तरफ से emergency वाला लाभ। अल्लाह हाफिज। खुश रहें, खुश रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अल्लाह हाफिज।